सर छोटू राम या चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर साल 1881 में हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गढ़ी सांपला में हुआ था। उनका असली नाम रिचपाल था। वो घर में सबसे छोटे थे, इसीलिए उनका नाम छोटू राम पड़ गया। उन्होंने अपने गांव से कुछ मील दूर मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला लिया। साल 1905 में छोटू राम ने कालाकार के राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में कार्य किया था और यहीं साल 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। यहां से छोटू राम आगरा में वकालत की डिग्री करने आ गए। साल 1911 में छोटू राम आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बने। इसी साल उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। यहां रहकर छोटू राम ने मेरठ और आगरा डिवीजन की सामाजिक दशा का गहन अध्ययन किया। साल 1912 में इन्होंने चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जाट सभा का गठन किया गया। सर छोटू राम ने कई ऐसे सामाजिक सुधार कानून पास करवाए जिससे किसानों को शोषण से मुक्ति मिली। साल 1930 में उन्हें दो महत्वपूर्ण कानून पास कराने का श्रेय दिया जाता है। ये कानून थे पंजाब रिलीफ इंडेबनेस 1934 और द पंजाब डेप्टस प्रोटेक्शन एक्ट 1936। इन कानूनों में कर्ज का निपटारा किए जाने, उसके ब्याज और किसानों के मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान थे। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यापार श्रमिक अधिनियम 1940 और कर्जा माफी अधिनियम 1934 कानून भी उल्लेखनीय है। यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थीं और 37 साल से गिरवी चली आ रही थीं, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गईं। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का दोगुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपए से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त, तुलाई, रुलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी कटौतियां होती थीं। इस अधिनियम के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। साल भर में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान और व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सब की जाँच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाएगी। यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीन बंधु चौधरी छोटू राम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दोगुना पैसा वापस किया जा चुका है तो ऋणी ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारी पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, खेर, गिद्वाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इसी कानून के तहत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक दंत कथा बहुत प्रचलित हुई थी कि लाहौर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ किया जाए। तब न्यायाधीश सर शादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटू राम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है और उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटू राम के पास आया और यह टिप्पणी सुनाई। छोटू राम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह चौधरी साहब ने इस व्यंग का इस तरह जबरदस्त उत्तर दिया था। सर छोटू राम ने क्रांतिकारी अखबार जाट गजट का भी संपादन किया। इस अखबार के जरिए उन्होंने किसानों पर होने वाले शोषण के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने किसानों की जमीन गिरवी रखने और साहूकारों द्वारा किसानों को उत्पीड़न पर भी आवाज उठाई। वो अपने अखबार में किसानों के पक्ष में इतने तीखे लेख लिखते थे कि एक बार उनके खिलाफ देश निकाला का आदेश आ गया था। लेकिन उनकी हैसियत उतनी ऊंची थी और उनकी गिरफ्तारी पर इतने बड़े विद्रोह की आशंका थी कि इस फैसले को वापस लेना पड़ा।
साल 1916 में जब रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो वो उसके अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर इससे अलग हो गए। उनका कहना था कि इसमें किसानों का फायदा नहीं था। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और साल 1937 के प्रोविंशियल असेंबली चुनावों में उनकी पार्टी को जीत मिली थी और वो विकास व राजस्व मंत्री बने। 9 जनवरी 1945 को सर छोटू राम का निधन हो गया।